भारतीय गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था निर्मली बड़ोनी जी ने, वो जन आंदोलन में जब तब्दील हुआ तो 1996 में एक बहुत बड़ा निर्णय हमने जो लिया था, जो गैर राजनीतिक निर्णय लिया जिसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया था हमने, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, जिस चुनाव को हमने लड़ना था उसको हम लड़े नहीं और जिसको नहीं लड़ना था उसको हम लड़ चुके थे। दूसरी चीज़ एक कहीं ना कहीं राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी और कुछ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा इस दल के लिए हानिकारक रही है, जो समय समय पर इस दल को तोड़ते गए, नुकसान पहुंचाते गए हैं और एक बहुत बड़ा खामियाजा हमने इसे भुगता है। जिस समय जन आंदोलन था, एक बहुत बड़ी भीड़ थी, उस समय उस जन आंदोलन को संगठन के रूप में अगर हमने नहीं लिया तो उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। राज्य बनने के बाद हमें पूर्ण उम्मीद थी कि जनता हमें इस चीज़ को स्वीकारेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक तरह का जो एक राजनीतिक प्रबंधन और चुनाव प्रबंधन होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां दिखी। और दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये थी कि हमारे कुछ लोग ऐसे रहे दल के बीच में जो आज दल छोड़ के बाहर हैं, उनका नाम सभी जानते हैं। समय समय पर उन्होंने दल को अपने लालच के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए बार बार दल को नुकसान पहुंचाते रहे हैं और उसी का ये परिणाम है कि उत्तराखंड का दल आज सबसे पहला राजनीतिक दल जिसने उत्तराखंड राज्य की मांग करी, इतना बड़ा जन आंदोलन किया और आज वो आज हाथी की तरफ जो चला गया था, जिसे अब हमारे नवयुवक पुष्पित त्रिपाठी जी ने एक नए सिरे से इसको एक खड़ा किया, क्योंकि वो स्वर्गीय बिपिन चंद त्रिपाठी जी की विरासत को आगे लेके चल रहे हैं, जो उत्तराखंड क्रांति दल के शिल्पी माने जाते थे। तो वो एक नई शुरुआत जो हुई है, इसमें अब उम्मीद है कि उत्तराखंड क्रांति दल अब नए तरीके से खड़ा होगा।